शुभकामनाएं दे दें कि जो नया साल है 2018, 7 दिन बीत गए हैं और आने वाला पूरा नया साल आप सभी के लिए अर्थपूर्ण बने, हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का हम प्रयास करें, क्योंकि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी मजहब का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी प्रांत में रहने वाला है, हर इंसान को ईश्वर ने अर्थपूर्ण जीवन जीने की क्षमताएं दी है। और वो अर्थपूर्ण जीवन हमारा कब बनता है, वो क्षमता कब उजागर होती है, जब जीवन में संवेदनशीलताएं आती है। शुरुआत वहां से होती है, हम अपने प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने परिवार के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने रिश्तेदार के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन हम दूसरा क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं होता। तो जहां संवेदनशीलता हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वहां से हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनना शुरू हो जाता है। तो वो जब दूसरों के बारे में दूसरों की भले की सोचते हैं, दूसरों की भले की कामना करते हैं, जो प्रार्थना में हम कर रहे थे, तो ये जब कामनाएं हम दूसरे के लिए करते हैं, वहीं से हमारी शुरुआत संवेदनशीलता जो जीवन में आ जाती है और उसी से करुणा और उसी से फिर परोपकार की तरफ बढ़ते हैं। और वो जो परोपकार और करुणा से जो अर्थपूर्ण जीवन जो एक्सीलेंसी है वो है आत्मा का आनंद। और आत्मा के आनंद के लिए आज जो हम काम कर रहे हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से, ये आत्मा के आनंद के लिए कर रहे हैं। तो शुरुआत जहां से संस्था के लिए, संस्था का तो मूल उद्देश्य ही है, शुरुआत 8 साल पहले कुछ हम दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि पढ़ लिख के हम आगे आए हैं, बड़ी निर्धन अवस्था से, निर्धन परिस्थितियों से पढ़ के आगे कुछ बने हैं, अब हमारे को दूसरों के लिए भी काम करना है। ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, कई परिस्थितियां होती है और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमारे मन में शुरुआत में ये विचार आया था कि एक संस्था बनाए और संस्था में हम गरीब बच्चों की हेल्प करें। और हमने वहां से शुरुआत की, सबसे पहले संस्था बनाई और फिर एक बच्चा कोष समिति बनाई, और बच्चा कोष समिति से हम जो निर्धन बच्चे थे, या तो उनके माँ बाप नहीं थे, या किसी के मम्मी है, किसी के पापा नहीं है, या बहुत ज्यादा गरीब अवस्था में है और वो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो वो ऐसे बच्चे ढूंढे और उनका किताबें, फीस, यूनिफॉर्म, ये सब हम संस्था के माध्यम से दिए। धीरे धीरे 4 कार्यक्रम इस तरीके के हम कर चुके हैं शिक्षा सहायता के, और 4 कार्यक्रमों में 198 बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म इस संस्था के माध्यम से अब तक हम दे चुके हैं, उनको एक शिक्षा के लिए हम गोद लिए हैं। और इसी तरीके से अब 8 साल हो गए शुरुआत से लेकर अब तक करीब 71 प्रोग्राम संस्था कर चुकी है, और इस 71 प्रोग्रामों में 700 रक्तदान शिविर हो चुके हैं, और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अंग्रेजी पढ़ाते थे, जो झालाना वहाँ पे उसके कई गेट चालू किए हैं, अनपढ़ महिलाओं का सेंटर हमने चालू किया है, और भी प्याज लगवाना और इस तरीके के वृक्षारोपण, अभी जो पिछले साल 2016 में जब नोटबंदी हुई तो कैशलेस सोसाइटी के लिए डिजिटल जागरूकता का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमने रखा। तो इसी तरीके से समाज सेवा के कार्यक्रम अब तक 71 संस्था कर चुकी है, और ये 72वां प्रोग्राम आज हो रहा है, और इस 72वें प्रोग्राम में अब संस्था जो शुरुआत में, अभी कल कोई कह रहे थे कोई साथी कि माल्या जी ने कमाई की एक दुकान और लगा है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कमाई के लिए दुकान नहीं है, ये कमाई के लिए फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में पैसों की कमाई नहीं, दुआओं की कमाई है। इंसान कितने भी पैसे कमा ले कितना है, लेकिन जीवन महत्वपूर्ण हमारा ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम पैसे, जीवन में धन कितना कमाएं, महत्वपूर्ण इस बात का होता है, महत्व इस बात का है कि हम जीवन में दुआएं कितनी कमाएं, और इस दुआएं कमाने के लिए ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन होगा दुआओं का। इस दुआओं में ये जितने भी दानदाता है, 38 दानदाताओं की लिस्ट है जो बिल्डिंग में योगदान कर रहे हैं, और इन 38 दानदाताओं के सबका शेयर होल्डर है, इस दुआओं की फैक्ट्री में सब शेयर होल्डर है, ये दुआओं की कमाई ये सब करेंगे। और जितने भी मेरे साथी जो ये बच्चे हैं
जो खड़े हैं टी शर्ट पहन पहन के और संस्था की सेवा कर रहे हैं, कितने लोग उनके पास पैसा नहीं है तो वो शरीर से करते हैं। ये देने का भाव इंसान होना चाहिए, जरूरी नहीं हम पैसों से ही दे सकते हैं, कोई दान दे सकते हैं। यदि हमारे पास ईश्वर ने तीन चीजें निःशुल्क दी है, एक मन, वचन और काया। मन से दूसरों के लिए हम शुभकामनाएं करेंगे, ये तो कर ही सकते हैं, दूसरों के लिए शुभकामना मन से कर सकते हैं, तो निःशुल्क ईश्वर ने दिया है। और वचन अपनी जुबान से मीठी वाणी वाले और काया शरीर के प्रति परोपकार करते हैं। तीन चीजें तो हमने दी और देने का भाव हमारे अंदर है कि हमारी मुस्कान से हम बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये एक भाव हमारे अंदर देने का है। देने का भाव जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं आता उससे पहले देने का भाव आई नहीं। आज अभी आकाशवाणी पे मेरा इंटरव्यू था और 11 बजे अभी शायद चालू हो गया, और ये आमेर चैनल आता है आकाशवाणी का, आधा घंटे का केवल मेरा इंटरव्यू है उसमें। उसमें संस्था के बारे में भी, आर्किटेक्चर के बारे में भी है, और जो अध्यात्म के बारे में भी मैंने खुली चर्चा की है, और संस्था का जो प्रोजेक्ट है कार्यक्रम के बारे में खुली चर्चा हुई है, अभी उसका प्रसारण चल रहा है। और उसमें एक बात की और क्षमता मूलक क्षमा, उसके बारे में भी काफी चर्चाएं हुई। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन में आता, मैंने वहां यही बताया मेरे कि जीवन में आध्यात्म आता है तो वहां से देने का भाव शुरू होता है, और जब देने का भाव शुरू हो जाता है तो वहीं से जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। जहां से मैंने शुरू किया, हमारा जीवन अर्थपूर्ण बन, क्योंकि ये समझे आप, दुनिया के पास बहुत पैसे वाले लोग हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन पैसा तो खूब कमाया है लेकिन दुआएं नहीं कमाई। और आज जैसे कैंप हो रहा है, कितने पीड़ित लोग हैं, गांव वाले हैं, किसी बच्चे भी नहीं ले जा पाते, सब बिजी रहते हैं, किसी की आंख में खराबी हो रही है कि मेरा कोई ऑपरेशन हो जाए या मेरे को दिखना शुरू हो जाए। आस पास के गाँव या 10 गाँव में पूरा प्रचार किया, ये सब लोग आ रहे हैं, इनका फ्री ऑपरेशन होगा, सच में भी फ्री मिलेंगे इनको, कैलगरी आई हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, सब कुछ फ्री। ये दुआएं दे देंगे कि उन्होंने समर्पण संस्था के लोगों ने, ये दुआओं की हम कमाई कर रहे हैं। तो साथी को मैं बताना चाहूंगा कि हम कमाई की तो की है, कमाई की फैक्ट्री दुकान नहीं, फैक्ट्री लगाई है, लेकिन ये दुआओं की फैक्ट्री लगाई है। ये एक समझने का भाव है जो हर आदमी समझ में आती नहीं है, तो वो समझ जाए इस बात को। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो भी अब तक संस्था में 71 प्रोग्राम बन चुके हैं, और 71 प्रोग्राम में ये बेहतरीन प्रोग्राम है, और यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है, ये जो यहाँ बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग की फोटो ये लगी हुई है, और इस में बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड 4 मंजिल की बिल्डिंग है, और इसके अंदर अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, और ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं, उनको साथ में रखेंगे, या वंचित पीड़ित बुजुर्ग, कई ऐसे भी बुजुर्ग मिलते हैं कि वो घर से परेशान रहते हैं या बहुत ज्यादा घर से भी पीड़ित रहते हैं, तो हम उनको भी साथ रखेंगे, पीड़ित बुजुर्गों को भी लेंगे और अनाथ बच्चों को भी लेंगे। और अनाथ बच्चे और पीड़ित बुजुर्ग और जो अनाथ बुजुर्ग, उनके दो फॉर्मेट में बनाएंगे इसके नक्शे में, इधर अनाथ बच्चे रहेंगे तो इधर बुजुर्ग रहेंगे। और हमारी सोच ये कि अब तक जितने भी आप देखते होंगे कि अनाथ आश्रम अलग होता है, वृद्ध आश्रम अलग होता है, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स इसलिए किया है कि उनको तो बच्चों का प्यार मिले और उनको माँ बाप का प्यार मिले, वो दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्ध, बच्चों को पढ़ाना हो तो पढ़ा भी रहे और उनको आशीर्वाद मिलती रहे, बच्चों को ममता मिले। तो इस तरीके का भाव देते ये कर रहे हैं, और ये दुआओं की एक इसको कहते हो समर्पण आश्रय के दुआओं की फैक्ट्री है, और इसमें आप सब जो भी योगदान देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको प्रतिफल मिलता है, क्योंकि जीवन हमारा प्रतिद्वंदी है। ये सच मान लेना चाहिए हमें कि हम जो देते हैं वो पाते हैं। आप एक पहाड़ के पास खड़े हो जाओ और बोलो कि हेलो, और हेलो हेलो करके 4 बार आ जाओ, एक हॉल में खड़े होते हैं, हेलो बोलते हैं, हेलो हेलो करके 4 बार, ये जीवन प्रतिद्वंद है, जो देते हैं वो वापस मिलता है। तो हम ऐसा नहीं समझे, हम जो भी हम किसी को चाहते हमें प्यार मिले तो प्यार बांटिए, प्रतिद्वंद के साथ वापस आएगा। यदि आनंद चाहिए तो आनंद बांटिए, खुशी चाहिए तो खुशी को बांटो, वापिस चाहिए और पैसा चाहिए तो पैसे को बांटो। तो पैसे को हम बांटेंगे समाज की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए, तो प्रतिध्वनि के साथ वापस हमारे पास आएगा। तो
ये बात टेक्निकल बात है, जिसके समझ में आती है वो समाज के लिए भी काम करता है, जो पीड़ित के लिए भी काम करता है, वो जरूरतमंद के लिए भी काम करता है। तो ये बात संस्था इसी बात का एक प्लेटफॉर्म है और ये समझाने का प्रयास करिए। तो इसमें जो बिल्डिंग में अब तक 38 लोग डोनेशन दिए, डोनेशन की मेरे पास लिस्ट है, और इसके अलावा जो भी सहज भाव से सहयोग करना चाहे उनका भी इसमें भागीदारी हो जाएगी, उनको भी इस दुआओं की फैक्ट्री में वो भी शेयर होल्डर हो जाएंगे, उनको भी। तो वहां पे काउंटर लगाया हमने, यदि आप भी इसमें सहयोग करना चाहते किसी भी तरीके से तो हम इसमें आपका भी सहयोग लेंगे, जो भी सहयोग देना चाहते हैं तो वो इन सबके अपने सहयोग से, क्योंकि प्रोजेक्ट बढ़ा है, इस प्रोजेक्ट की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हुई है, वहां रखी हुई है। 80,50,000 का अपना प्रोजेक्ट है। अब 80,50,000 पहले जमीन तो ईश्वर की कृपा से मुझे तो मिली थी और समर्पित करने में मुझे दिक्कत भी नहीं आई, तो क्योंकि उस समय बहुत सस्ते में 11,00,000 में मिली थी, तो वो कोई क्योंकि अपने पास यदि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण अच्छा कर रहे हैं, परिवार को अच्छा अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहे हैं, उसके बाद भी पेश है तो उसको परमात्मा लगाना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है। तो ये उस भाव को लेते हैं, क्योंकि जब तक जीवन में ये बात समझ में नहीं आएगी हमारे कि मेरे पास जो भी है, मेरे पास तन है जो ईश्वर की कृपा से मिला है, जो मन है, बुद्धि है वो भी ईश्वर की कृपा से मिली है, और धन है वो भी ईश्वर की कृपा से मिला है, ये तीन चीज हमें ईश्वर की कृपा से मिली है, ये बात समझ में। मैं सोचता हूँ मैं 5.5 फीट की जगह 6 फीट का हो जाऊँ, नहीं हो सकता, जो शरीर मिला ईश्वर की कृपा से मिला, वो खूबसूरत हो जाऊँ तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी ईश्वर की कृपा से मिला। तो शरीर जो मिला है वो जैसा भी मिला है वो हमें ईश्वर की कृपा से मिला है। मन जो बुद्धि है, मैं चाहूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी मैं भी किताबें लिख दूँ, बहुत बड़ा बुद्धिमान हो जाऊँ, तो नहीं हो सकता, वो भी ईश्वर की कृपा से मिली है। और जो शिष्याओं की डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊँ तो भी नहीं हो सकता। तो ये जो बुद्धि और मन मिला है ये भी ईश्वर की कृपा से मिला है। और जो पैसा है, एक पहाड़ पर मजदूर पत्थर तोड़ता है, दिन रात मेहनत करता है, मेहनत तो वो भी कर रहा है, मेहनत पूरी दुनिया करती है, तो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन जो पैसा है, माया है, ये भी हमें ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। क्योंकि एक आदमी तो यूं मिट्टी में डालता है, हाथ डालता है, सोना निकाल लेता, एक आदमी दिन रात मेहनत करता तो भी नहीं हो पाता, तो ये ईश्वर की कृपा से तीनों चीजें हमें मिली है। और ये तीनों चीजें मिली है ये बात समझ में आ जाए तो हम मानवता को देने में कोई तकलीफ नहीं आए, दूसरों के लिए समर्पित करने में कोई तकलीफ नहीं आए। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बात आपको समझाना चाहता हूँ कि एक रेस्टोरेंट में एक सूट वूट टाइम में मेरी तरह खाना खा रहा था एक दिन, और एक रेस्टोरेंट के कांच में से एक भूखा बच्चा था, वो कांच में से देख रहा था और निरंतर देख रहा था, क्योंकि उसको चोरों की भूख लगी थी, और बच्चा कांच का जो चक्की मारता है और रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है, और जो खाना खा रहा था सूट वूट टाइम में उससे कहता है कि भाई साहब मुझे कुछ खाना दे दोगे प्लीज, मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। तो वो जो सूट वूट टाइम खाना खाता है, तो भैया मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तब अच्छा खाना खा रहा हूँ, तू भी मेहनत कर कमा के खा। उसने उसको खाना नहीं दिया। एक पास में ही एक व्यक्ति और था, उसने कहा, उससे कहा भैया मुझे कुछ खाना दे दे, उसने भी मना कर दिया। मैनेजर ये बात देख रहा था, मैनेजर ने बच्चे को बुलाया और बुला के और बच्चे को कहते हैं कि ये खाना लो, खाना खाओ, उसको खाना दे दे। खाना लेके गेट के जो ही रेस्टोरेंट गेट के बाहर निकलता है बच्चा, और गेट के बाहर निकल कर एक प्लॉट आगे एक दूसरा भूखा व्यक्ति बैठा, उसने बच्चे से कहा भैया मुझे कुछ खाना दे दे भूख लग रही, बच्चे ने वो खाना उसको दे दिया। अब इस बात की एनालिसिस की, जिसके पास सब कुछ था उसने कुछ नहीं दिया, और जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने दे दिया, ऐसा हुआ क्या? ये एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में निकल के आया कि जो ये समझता है कि मेरे को जो जो भी है मेरे पास वो मुझे मिला है, तो मिले हुए को देने में आपको तकलीफ नहीं है, वो आराम से देता है। और जो ये समझता है कि मैंने एम्पायर किया खड़ा किया, 18 घंटे मेहनत डेली काम करता हूँ, दिन रात पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, एक एक पाई पाई बैलेंस बना रहा हूँ, ये मैंने किया मेहनत कर रहा हूँ, तो वो आदमी कभी नहीं देखता, क्योंकि वो अपना समझता है।
तो ये भाव ये ईश्वर की कृपा से हमारे सबके अंदर ये आया है और ये काम हम करने चाहें, क्योंकि जो भी हमारे पास है ये मिला है और मिले हुए को देने में तकलीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो ये भाव प्रभु कृपा करे हम सब सबके अंदर इस तरीके का भाव आ जाए तो हम जो जरूरतमंद ऐसा पीड़ित लोग हैं उनको भी हम साथ में लेकर काम कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक भाव इस तरीके का हमारे मन में जब आ जाता है कि सब हम सब भाई भाई हैं, हम सबके अंदर एक ही चेतना है, ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो फिर हम परमात्मा के लिए काम करते हैं। तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए और एक हम हर साल वार्षिक अधिवेशन जब भी करते हैं तो आगे के साल के पूरे कार्यक्रम हम पहले ही तय कर लेते हैं। तो इसके इस साल जो 2018 में संस्था के जो कार्यक्रम होंगे उनमें आज का कार्यक्रम तो 7 जनवरी को हो ही गया, अब इसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है उनमें 26 जनवरी आई है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह हर बार करते हैं, 8 साल से रेगुलर कर रहे हैं, 26 जनवरी को 15 अगस्त को भी और उसके बाद गणतंत्र दिवस के साथ ही 4 गोष्ठी भी रखते हैं और विचार गोष्ठी में अलग अलग विषय होते हैं। रात को मेरे छोटे छोटे विषय याद आ रहा था कि समता मूलक समाज के लिए हमारे प्रयास, हम समता मूलक समाज के लिए समानता के समाज के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, ये सोच मेरे मन में आ रही थी और भी कई विचार आएंगे तब तक। तो एक विषय हम देते हैं और विषय से हम विचार गोष्ठी रखते हैं जिसमें वक्ताओं से बुलवाते हैं और वो उस पूरा व्याख्यान देते हैं उस विषय से। तो ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह होगा संस्था के बैनर तले और इसका प्रताप नगर में ऑफिस बना हुआ है, वहीं पे हर साल झंडा रोहण का प्रोग्राम होता है। इसके बाद 4 फरवरी आज मेरा सब दौड़ होती है हर साल जयपुर में, पंडित सुरेश मिश्रा जी करवाते हैं संस्कृत की संस्था की तरफ से, हर साल हम जाते हैं और पूरी ये टीम जो बच्चों की टीम है ये सारे टी शर्ट और कैप में पूरा संस्था का बैनर लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता ये जितने भी लोक कल्याण की बातें हैं जो भी सामाजिक सरोकार की बातें हैं इनके नारे लगाते हुए उनको जन चेतना के लिए हम लोग उस मैराथन में जाते हैं। तो 4 फरवरी को ये मैराथन होगी और मैराथन में भी हम लोग पूरी टीम के साथ उसमें जाएंगे, सेकंड कार्यक्रम इस तरीके से वो हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता ब्लड डोनेशन के। अब तक संस्था 7 ब्लड डोनेशन के अंतर हो चुकी है। मैं पहले समझता था कि अब तक मैं